हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में हम इसके एनसीआर टी देखेंगे हमको स्टार्ट करना है फर्स्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज से वैसे तो ये आपको खुद करने हैं लेकिन मैं आपको ओरली सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू फाइंड एट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब है क्या आपको लगता है जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स में जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग में आ जाता है प्लांट एनिमल ठीक है और हम लोग भी अब प्लांट एनिमल और हम लोग को सबको जो है एक ही तरीके का खाना खाना चाहिए पहली बात तो आपका आंसर होगा नो no. ठीक है क्योंकि क्यों खाना चाहिए सब क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग काइंड ऑफ फूड खाने होते हैं जैसे प्लांट्स को सनलाइट चाहिए क्लोरोफिल चाहिए ये सब आप आगे पढ़ोगे इन उनका खाना यही है एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं किसी को ग्रास खाना है किसी को दूसरे एनिमल्स को खाना है किसी को इंसेक्ट्स खाने हैं ठीक है ठेके? और एनि जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स हमारा तो वेराइटी ऑफ फूड है तो इसलिए इसका बिग आंसर होगा no. नो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर लिखोगे क्या आप नो कॉमा ऑल लिविंग बींग्स नीड नॉट डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड ओके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड अब सेकंड क्वेश्चन नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है इसके रिलेटेड वीडियो में पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो हम पढ़ रहे थे वो वाली वीडियो उसमें एक्सप्लेन किया तो ऐसे कोई फाइव प्लांट का नेम दो और ये भी बताना कि उस प्लांट का कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं ठीक है तो आप एक कॉलम में लिखोगे क्या नेम ऑफ द प्लांट एक कॉलम में लिखोगे एडिबल पार्ट्स ओके तो शुरू करते हैं सबसे पहला है मस्टर्ड मस्टर्ड का आप क्या खा सकते हो सीड्स और लीव्स खा सकते हो दूसरा आप लिखोगे पटेटो पटेटो का आप क्या खा सकते हो स्टेम खा सकते हो फिर आप थर्ड लिखोगे शुगर केन शुगर केन का भी आप स्टेम खा सकते हो ठीक है मैंगो मैंगो का आप फ्रूट खा सकते हो स्पिनच लिखोगे फिफ्थ नंबर पे उसका आप लीव्स खा सकते हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है फिर थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है मिल्क, कर्ड पनीर घी स्पिनच कॉलीफ्लावर कैरेट लायंस एंड टाइगर हर्बीवोरस बी क्या है ईट अदर एनिमल्स ईट प्लांट्स प्रोडक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स आर वेजिटेबल्स आर ऑल तो मिल्क कर्ड पनीर घी ये किससे मैच होगा देखो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं ठीक है नीचे से ईजी है हर्बीवरस हर्बीवोरस किसे खाते हैं हर्बी बोरस खाते हैं ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट लॉयन और टाइगर लॉयन और टाइगर किसे खाएंगे दूसरे एनिमल्स को खाएंगे ठीक है अब ये जो मिल्क कर्ड पनीर घी है ये सारे क्या हैं एनिमल प्रोडक्ट्स हैं और बचा क्या लास्ट में वेजिटेबल्स तो स्पिनिज कॉलीफ्लावर ये सब क्या है? हैं? वेजिटेबल्स हैं ओके यहाँ पे नेम दो वन टू थ्री फोर और यहाँ पे फर्स्ट का किससे मैच हो रहा है ये मिल्क सेकंड का किससे मैच हो रहा है इससे थर्ड का किससे मैच हो रहा है इससे एंड ये रहा ओके क्स्ट है द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन हर्बीवोरस प्लांट मिल्क शुगर केन कार्निवोरस ये जो वर्ड्स आपको दिए हैं इससे आपको ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं फर्स्ट है टाइगर इज अ बिकॉज इट ओनली मीट यहाँ पे आपको ये हिंट दिया हुआ है कि जो टाइगर क्या है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है अब जब टाइगर मीट खाता है तो उसका मतलब वो दूसरे एनिमल्स का मीट खाता होगा तो वो क्या है वो है कार्निवोरस डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट ऐसे एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है तो वो थर्ड है द डैश डेट वी ड्रिंक ऐसी चीज जो हम पीते हैं जो कि काउस से आती है बफेलो से आती है और गोट से आती है और वो एक एनिमल प्रोडक्ट है वेरी मच इजी मिल्क ई ट अ शुगर फ्रॉम शुगर किससे मिलती है शुगर केन से मिलती है ठीक है तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर थैंक यू वेरी मच